देखिए मेरी बात सुने, हमने आज जो इरादा है हमारा और अभी नॉमिनेशन फॉर्म्स चल रहे हैं, हम जनरल सीट पे 9 नॉमिनेशंस भरा रहे हैं, हम लेडीज़ पे 3 नॉमिनेशंस भरा रहे हैं, टेक्नोक्रेट पे 3 नॉमिनेशंस भरा रहे हैं और माइनॉरिटीज़ की 2 नॉमिनेशन भरा रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला स्क्रूटनी मंडे को रखी है, मंडे को स्क्रूटनी हो जाएगी तो उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी फाइनल लिस्ट देगा कि जिनको टिकट अवार्ड किया गया है और वो जो होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नॉमिनी, उनको जिताना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबा असेंबली के मेंबरों का काम है और इंशाल्लाह ताला उनको जिताएंगे। अच्छा सर, पहले भी आपको जब भी यहाँ पर सेनेट के इंतखाबात हुए हैं, एक दो जो है आपको वोट ज़्यादा मिले हैं, 15 सालों का जो तजुर्बा है, तो इस दफ़ा भी कोई जो है ये ज़्यादा नहीं मिले? अब आप लोग समझे, सेनेट का एक सीक्रेट वोट होता है, आइन के अंदर हर वोट की आप वज़ीर आज़म का वोट ओपन होता है, वो आप पार्टी के ख़िलाफ़ जा नहीं सकते, वज़ीर आला का वोट ओपन होता है, वो आप पार्टी के ख़िलाफ़ जा नहीं सकते, और उसमें अगर आप ख़िलाफ़ जाए तो आइन में लिखा हुआ है कि आप डिफेक्ट करते हैं और पार्टी आपको निकाल सकती है, मेंबरशिप ख़त्म कर सकती है। बजट का वोट जो होता है वो ओपन होता है, उसमें भी पाबंदी है कि अगर आप वोट ना दें पार्टी की मर्ज़ी के मुताबिक तो आपको पार्टी इलेक्शन कमीशन को लिख के आपको MPA या MNA से हटा सकती है। बाकी जो वोट है ना, चाहे वो स्पीकर का हो, चाहे सदर पाकिस्तान का हो, चाहे वो सेनेट के वोट्स हो, इवन बाकी लेजिस्लेशन है, उसमें पाबंदी नहीं होती, तो वोट ज़्यादा कम की बात ही नहीं है। उम्मीदवार को जो सामने देखते हैं, वोटर की मर्ज़ी होती है जिसको वो वोट दे। अच्छा, तो ये मुझे आज तक मन तक समझ नहीं आई जो कहते हैं कि ज़्यादा मिल गए कम मिल गए, उम्मीदवार लेते हैं। अच्छा, सीएम साहब आपके एहतजाज के बाद वजीर आजम ने इरसा चेयरमैन वाला जो मामला था उसको तो हटा दिया, लेकिन आर्डिनेंस यू का तो वही पड़ा है। वो अभी वो नेशनल, देखो नेशनल असेंबली का काम है, मेरा उसमें वास्ता नहीं है, अब देखें वो क्या होता है, देखेंगे। अच्छा, 12 में से 12 मतलब आप अगर पूछेंगे, मेरी तो यही ख्वाहिश होगी ना, मेरी यही ख्वाहिश होगी कि 12 में से 12 मिले, लेकिन ज़रूर बाकी पार्टीज़ भी अपनी कोशिश करेंगी। जहाँ तक मुझे पता है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कुछ नॉमिनेशन जमा कराए, इस वक्त तक अभी 1.25 हुआ है लेडीज़ में और टेक्नोक्रेट में और माइनॉरिटीज़ में, सिवाय पीपल्स पार्टी किसी और जमात ने जमा नहीं करा। इसका ये मतलब नहीं कि कोई और जमा नहीं करा सकता, वो करा सकता है, हम अपनी कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम जो भी सीट्स ले सकें वो लें। अच्छा अच्छा अच्छा, इतना अच्छा मज़ेदार आपने 12 का मुझे हिस्सा दे दिया, दर्जन पूरे करेंगे। नहीं नहीं, लॉयर हमारे बहुत सारे MPAs भी हैं, हमारे इस वक्त लॉ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर भी एक वकील है, तो मौका बहुत दे रहे उनके पास, तो शायद सियासतदानों की कमी हो गई है वो जो भी है छोड़ के चला जाते, पर जो भी मसला है इसलिए करें, लेकिन वो पार्टी की मर्जी है, उसमें कोई मुकाबला थोड़ी है कि लॉयर है या इंजीनियर है या डॉक्टर है जो आगे आ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आई पुरानी कटौतियों की मुझे समझ नहीं आई। देखिए अभी तक तो जब तक नया अवार्ड नहीं आता तो 2010 का अवार्ड चल रहा है, हमारी यही डिमांड रही है फेडरल गवर्नमेंट से कि नया अवार्ड लाया जाए, और नए अवार्ड में हमने बड़ा क्लियरली कहा है कि जो 2010 का NFC का अवार्ड आया था वो आईनी 18वीं आईनी तरमीम से पहले आया था, उसके बाद सूबों को और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी गई हैं, तो उस हिसाब से अवार्ड को चेंज होना चाहिए। वफाक का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि उनके पास वो वसाइल मौजूद नहीं है कि कर सके, तो ये ज़रूर एक नेगोशिएशन होती है जो NFC का फोरम होता है उसका। इरसा के हवाले से, इरसा का हो गया सवाल ना, अब वो हो गया कोई और आगे सेनेट के। हां सर, कहते कि वो जरदारी साहब के बेटे हैं तो क्या पीपल्स पार्टी उन्हें वोट देगी? मेरी बात सुने, जरदार वो, हां मुझे नहीं पता वाडा साहब वो कह रहे होंगे, मुझे मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। अच्छा सर, ये बताएं कि IMF क्या जवाब दे सकता है? एक सर ये सुनने में आया है कि IMF ये शर्त लगा रहा है कि NFC अवार्ड जो सूबों के दरमियान है उसमें कटौती की जाए, ये खबरें आ रही है, तो अगर IMF के दबाव में वफाकी सरकार ऐसा करती है? नहीं कर सकती ना। अब देखिए मेरी बात सुने, ये कल मैंने देखा सुना था IMF की अपनी कुछ होंगी इशूज़, और जो मैंने टेलीविज़न पर देखा, मेरी अभी वफाकी वजीर या जो हमारी टीम है उनसे बात नहीं हुई है, और उन्होंने यही कहा है कि आइनी चीज़ों पे हम बात नहीं कर सकते जो आइन में लिखा है।
एनएफसी अवार्ड आइन में अब लिखा है कि सूबों का हिस्सा कम नहीं हो सकता, बढ़ सकता है। तो वो उन्होंने ज़रूर उसको बात बताई होगी। उनकी जो, मुझे नहीं पता कि ये कंडीशन है भी कि नहीं है, मैं तो नहीं हूँ मीटिंग्स के दौरान, आप ही की जो बातें ये टीवी पे सुनने में आ रही हैं उनसे कह सकता हूँ। आखिरी सवाल कर ले, मैंने मेरा सवाल ये है कि एक सेकंड, आखिरी सवाल मान के हवाले से ही है, और दूसरा ये कि आप बड़े कर रही हैं और तबादले कर रहे हैं एसएसपी के भी हो गए, आईजी कब तब्दील हो रहे हैं ये बता रहे हैं, और दूसरा जो है अमन ओमान की सूचना कब कंट्रोल होगी स्ट्रीट क्राइम बोर्ड। अच्छा, आपका सवाल ट्रांसफर्स जो है, जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी हम करेंगे, तो इसमें कोई डेडलाइन नहीं है कि मैंने कल ये करना है और परसों ये करना है। ज़रूरत के मुताबिक ट्रांसफ़र्स होंगे, और अभी और कुछ मज़ीद ट्रांसफ़र ज़रूर होंगे, इसलिए कि जहाँ जहाँ कमज़ोर अफसरान हैं, हम उनको, या कमज़ोर भी कह लें या हमें अगर कोई बेहतर अफसर मिल जाता है, मैं किसी अफसर को कमज़ोर नहीं कहूँगा, अगर कोई बेहतर मिल जाता है तो हम उधर ज़रूर लगाएंगे। अमन ओमान की सूरत हाल के लिए होम मिनिस्टर साहब ने कल उनकी रिकमेंडेशन पे और आईजी पुलिस की रिकमेंडेशन पे कुछ ट्रांसफ़र्स किए हैं, और उनसे हम रिज़ल्ट लेंगे इंशाल्लाह कि वो रिजल्ट्स बेहतर आए। और अमन ओमान आखिरी छोकरो लड़ो छोकरो छोकरो लड़ो मेरे भाई, ये पीटीआई से पूछें, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये कहना कि आप पाकिस्तान को कर्ज़ा ना दें और पाकिस्तान को जो मुश्किलात हैं उनमें पाकिस्तान को डूब जाने दें, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, तो ये तो उन्हीं वही जवाब दे सकते हैं ऐसी हरकतों का, कि जो एक एक शख्स के इंटरेस्ट में सिर्फ बात करते हैं और पाकिस्तान की आवाम को पीछे रखते हैं, उसको आगे रखते हैं, वही जवाब दे सकते हैं। शुक्रिया।